हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीटर पैन कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना नाप स्तर पे लगाएंगे। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मेजरमेंट जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसी से अपना नाप लगा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्तर को नीचे से सीधा करके कट कर लेंगे। अब हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, लेंथ हमारी 13 इंच है, हम उसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर नाप लगा रहे हैं। आपकी ब्लाउज़ की जो भी लंबाई होती है, आपको उसमें 1 इंच प्लस करते हुए ही नाप लगाना है। तो देखिए, शोल्डर हमने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे। आप मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग लीजिए। किसी का शोल्डर कम भी होता है और किसी का ज़्यादा होता है, तो मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और अब चेस्ट का हम फोर्थ पार्ट लेंगे। तो 36 के अकॉर्डिंग हमने लिया है 9 इंच, उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। और नीचे कमर में भी हमने फोर्थ पार्ट लेते हुए उसमें 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। इस तरीके से सारी लाइन को मिला लेना है। यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये फिटिंग का नाप लगाया हमने। अब देखिए, जो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 4 इंच ले रहे हैं, और जो नीचे की तरफ लंबाई लेंगे हम वो भी 4 इंच लेंगे। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। नीचे की तरफ हम कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, आप चाहे तो अपने पसंद से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। शोल्डर को हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। और देखिए, यहाँ से हम टक्स के लिए बीच का सेंटर लेंगे। टक्स की जो लंबाई है वो हम 4.5 इंच ले रहे हैं। आप अपने ब्लाउज से नाप के भी उसकी लंबाई लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ 1/2 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो जो ओपन साइड है, हम उसी तरफ से नाप लगा रहे हैं, क्योंकि हम आगे से ओपन रख रहे हैं अपने ब्लाउज़ को। तो देखिए, आगे की तरफ हमने हुकाई के लिए 1/2 इंच छोड़ दिया है। इस तरीके से आपको भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। और फिर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और सेम मेज़रमेंट हमको ड्रॉ कर लेना है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे। अब प्रिंसेस कट के लिए जो हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, हम वो नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आर्म होल का जो शेप है उसको बना लेते हैं। इस तरीके से 1/2 इंच की हम अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। तो देखिए, नीचे की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे और इस तरीके से लाइन को मिला लेंगे। अब हम अपने टक्स पॉइंट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच लेंगे और नीचे की तरफ से भी हमें 4 इंच लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्म होल की तरफ इस तरीके से शेप दे देना है। अब देखिए, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में भी हम 2 इंच लेंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर की तरफ मिला लेंगे, ताकि हमारा बैक पार्ट और जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो साइड की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर आए। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको हल्का सा शेप दे देना है आपको। तो देखिए, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हमने कर ली है। तो देखिए, बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा रहे हैं, आप चाहे तो इसमें अस्तर लगा सकते हैं। और मेरे पास जो इसका मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, तो हम साइड में जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों फैब्रिक को बराबर रखना है। और अपनी जो स्लीव्स की लंबाई है वो हमारी 10 इंच है और हमें इसमें पफ बनाना है, तो हम ऊपर की तरफ 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए 9 इंच चाहिए, तो हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पे हल्का सा जॉइंट लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे हम डाउन करेंगे। और देखिए, इस तरीके से स्लीव्स को शेप दे देना है। इस तरीके से शेप बना लेना है इस दिन का। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारी आस्तीन की गोलाई का नाप है हम वो लगाएंगे। तो हमारी जो आस्तीन की गोलाई है वो 5.5 इंच है, हमने उसमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन ली है।
अब यहाँ से हम अभी कट नहीं कर रहे क्योंकि हमको यहाँ पे जॉइंट लगाना है। पहले हम जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इसको शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारे मेन फैब्रिक को भी लाइनिंग वाले पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये दो पार्ट है जिसमें से एक पार्ट को हम अलग करके पहले एक पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए अस्तर को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। हमारा टिश्यू का फैब्रिक है इसलिए ये पतला है, तो हमने इसमें मोटा वाला अस्तर यूज़ किया है। अब हम इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे बराबर रख के। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हमको दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिए हैं और ये जो प्रिंसेस कट वाले पार्ट थे इसको भी हमने अपने अस्तर से स्टिच कर लिया है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखना है दोनों पार्ट को और इस तरीके से स्टिच करना है। आपको दोनों में से किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखते हुए शेप देते हुए इसको स्टिच करिए। तो देखिए इस तरीके से इसको स्टिच करा है। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो 1.5 इंच की हमने इस तरीके से पट्टी कट की है, नीचे से बराबर रखते हुए हमको स्टिच कर लेना है। पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर ले और इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे हम पट्टी के ऊपर। आप चाहे तो इस सिलाई को निकाल के बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको दूसरे वाले पार्ट पे भी कमर पट्टी लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट पे इस तरीके से कमर पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए हम ब्लाउज़ में कॉलर लगाएंगे, तो ये जो हमारी आई वाली पट्टी है इसको हम बाद में स्टिच करेंगे और ये जो हुक वाली पट्टी है इसको हम पहले स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हुक वाली पट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 इंच की पट्टी लेना है और इसको डबल फोल्ड करके हम लगाएंगे, बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे और अंदर की तरफ इसको 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। अब इसको पलट के ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। पट्टी को पलट के अंदर की तरफ और एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो हुक वाली पट्टी है वो तैयार हो गई है। अब हम अपने कॉलर बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से बकरम लिया है, इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इस पर गले का निशान लगाएंगे। तो हम जो गले की चौड़ाई 4 इंच ली थी पहले हम उसको टेप से नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से गले की चौड़ाई को हमको नाप लेना है, 4 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से बराबर रख के जो गले का शेप है वो बना लेंगे। अब देखिए हमें कॉलर का शेप बनाना है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ से चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच और नीचे की तरफ से हम चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच। ऊपर की तरफ 1/2 इंच इसको कम करते जाना है और इस तरीके से शेप बनाएंगे हम। आप नीचे से कॉलर की जो चौड़ाई है वो कम भी ले सकते हैं और देखिए इस तरीके से ऊपर से शेप बना लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे ऊपर की तरफ। आपको साइड में जो पिक दिख रहा है उसमें सेम यही कॉलर बना हुआ है, तो हम यही वाला कॉलर बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे कॉलर को। तो देखिए हमने दोनों कॉलर को कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम कॉलर को अपने फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक लिया है, नीचे ऊपर अस्तर रखा है और ऊपर उसके कॉलर रखा है और अब हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए नीचे के साइड से हमको स्टिच करना है
और इस तरीके से इसको ऊपर तक स्टिच करके लेके आना है। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। इसके जो गले की साइड पे हमको स्टिच नहीं करना है क्योंकि हम इसको यहाँ से पलटेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा कट लगा लेना है हमने जहाँ पे स्टिच किया है वहाँ पे, ताकि हमारा जो कॉलर है वो फिनिशिंग से पलट जाए। तो देखिए हमने दोनों कॉलर इसी तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से इसको फिनिशिंग से पलट लेंगे और आप इसके ऊपर आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे कॉलर को भी पलट लेंगे और आयरन कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों कॉलर को पलट के इसके ऊपर आयरन कर लिया है। तो देखिए इस हिस्से पे हमने अपनी आई की पट्टी नहीं लगाई है, तो हम सबसे पहले कॉलर इस पर लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज़ को हमने उल्टा रखा है, उसके ऊपर कॉलर को रखा है और दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। शोल्डर के पास से हमको कॉलर को बराबर रखना है और आगे की तरफ हाफ इंच छोड़ना है क्योंकि हम इसमें आई की पट्टी को स्टिच करेंगे। हल्का हल्का सा इस तरीके से कट लगा लें और इस तरीके से कॉलर को पलट लेंगे हम, और उसके ऊपर से हमको एक स्टिच और कर लेना है। अगर आपको ऊपर स्टिच नहीं करना है तो आप इस पर अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए हमारा जो कॉलर है वो कितनी फिनिशिंग से स्टिच हो गया। इसी तरीके से हमको दूसरे वाले कॉलर को भी स्टिच कर लेना है। इस वाले पार्ट में हमने हुक की पट्टी लगा ली थी, तो इसको बिल्कुल कॉर्नर से स्टिच करेंगे हम और हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। अब हम कॉलर को पलट के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों कॉलर बनके तैयार हो गई है और अब इस तरफ हम अपनी आई की जो पट्टी है उसको बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें आई की पट्टी बना के तैयार कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी हमने स्टिच कर लिया है पलट के और टक्स भी इसमें मैंने लगा लिए हैं। सिर्फ इसका गला बनाना बाकी है, तो हम इसका गला तैयार करेंगे। और जैसे मैं अपने सारे वीडियो में आपको बैक पार्ट बनाना सिखाती हूँ नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह, हमने इसको वैसे ही स्टिच किया है। तो देखिए अब हमने 2 इंच की अरेबिक पट्टी ली है, इसको हम अपने गले पे इस तरीके से रखेंगे और 1 फुट की मार्जिन से हमको सिलाई लगाना है। पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर रखेंगे दोनों पार्ट को और स्टिच कर लेना है। हल्का हल्का सा कट लगा लें ताकि जो आपका गला है वो फिनिशिंग से पलट जाए। अब पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। अब ब्लाउज़ को पलटेंगे हम और इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, आप इस पर पाइपिंग बना के भी लगा सकते हैं। पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेना है। तो देखिए जो हमारा बैक नेक है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बराबर रखना है और 1/2 इंच छोड़ते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेना है। दूसरे शोल्डर को भी हम बराबर रखेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों शोल्डर को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स बना के स्लीव्स को लगाएंगे। तो हमने जो फ्रंट आर्महोल की गोलाई है इसकी कटिंग करते समय ही कट कर लिया था। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स थी इसमें साइड से कपड़ा कम था, तो हमने इसमें थोड़ा सा कपड़ा स्टिच कर लिया है। अपने स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा रहे हैं और इसमें बॉर्डर है नीचे की तरफ, तो हम इसको फोल्ड भी नहीं करेंगे। अब हम अपने स्लीव्स को ब्लाउज़ में स्टिच करेंगे। तो देखिए जो बीच का सेंटर है, बीच के सेंटर से हम अपने स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और इसको एक सिरे से लगाना शुरू करेंगे। दोनों फैब्रिक को बराबर रखेंगे हम और इस तरीके से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से बीच के सेंटर से आपको पिनअप कर लेना है ताकि जो आपका फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। देखिए बीच के शोल्डर से 3 इंच की दूरी से हमको इसमें प्लेट्स डाल लेना है। बीच के सेंटर से हम उसको बराबर रखेंगे और जितना भी फैब्रिक हमारा बच रहा है उसमें हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे। इस तरीके से बराबर रखते जाना है और इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स हमको इसमें बना लेना है।
आप चाहे तो पहले प्लेट्स बना लें, उसके बाद आप इसको स्टिच करें। दूसरे साइड भी हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लेंगे 3 इंच की दूरी पर और बराबर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो स्लीव्स है हमने उसको स्टिच कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से स्लीव्स को स्टिच करना है। तो देखिए जो हमारा पफ आया है वो इस तरीके से आएगा। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप और भी अच्छा इसमें पफ बना सकते हैं। तो देखिए हमने दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखना है और बीच के सेंटर से बराबर रखते हुए हम साइड से एक स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को बराबर रखना है और ऊपर से इसको स्टिच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमको दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम ब्लाउज को पलटेंगे और फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज को पलट लिया है। अब बीच के सेंटर से इस तरीके से टेप को रोकेंगे और चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमको कमर के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाना है इस तरीके से। दूसरी साइड भी हम बीच के सेंटर से फिटिंग का नाप लगा लेंगे। आस्तीन पे भी हमें इसी तरीके से फिटिंग का नाप लगा लेना है और देखिए इस तरीके से हमको स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट को बीच से बराबर रखते हुए फिटिंग लगाना है। दूसरी तरफ भी हमने जो निशान बनाए हैं वहाँ पे हम फिटिंग लगा लेंगे। आप इसमें फिटिंग की 1 से 2 एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ है उसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका जो फाइनल लुक है ये बनने के बाद कैसा दिखता है तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। तो फ्रेंड्स आपको मेरे आज के ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।